दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोपैथी और मायोपैथी दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी इंसान को, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, उसको उठने में चलने में प्रॉब्लम हो रही है या मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो वो न्यूरोपैथी है, नर्व्स की प्रॉब्लम है या मायोपैथी है, मसल्स की प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है इस तरह से बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये नर्व्स की प्रॉब्लम होती है या मसल्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स भी जो है इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या उनको प्रॉब्लम होती है कि नर्व प्रॉब्लम है या मस्कुलर प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इसमें जो पहली चीज़ होती है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं वो होती है मशीन के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो है हम इसको पहचान सकते हैं। इसमें एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं EMG। मसल्स की प्रॉब्लम को, अगर मसल्स की वीकनेस को अगर हमें पता करना हो या मायोपैथी की प्रॉब्लम को पता करना हो तो जो एक जांच होती है मशीन के थ्रू उसको कहते हैं हम EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफ। इस जांच से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके मसल्स में वीकनेस है। और जो दूसरी, अगर आपके नर्व्स में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो इसकी एक दूसरी जांच होती है जिसको हम कहते हैं NCS, नर्व कंडक्शन स्टडी। इस जांच से भी जो है नर्व की प्रॉब्लम को हम पहचान सकते हैं कि नर्व्स में प्रॉब्लम है। तो ये तो मशीन के थ्रू जांच की बात हो गई कि मशीन से हम इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद जो है ब्लड टेस्ट से भी मस्कुलर प्रॉब्लम को हम पहचान सकते हैं। जैसे CP के जो टेस्ट होता है वो, उसका लेवल अगर बड़ा होता है तो उससे पता चलता है कि उसकी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो रही हैं। या इसके बाद एक जो जेनेटिक टेस्ट होता है उससे भी पता चलता है कि किसी इंसान को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोपैथी है या उसको दूसरी नर्व्स की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम इसको जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम वाइज अगर हम इसको देखें कि सिम्टम्स के हिसाब से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को न्यूरोपैथी है या मायोपैथी है। और अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आसानी से इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें मायोपैथी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो जो हमारी प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं, ये जैसे हमारा हाथ है, ये पूरा जो शोल्डर है और वहाँ से लेके जो हमारी उंगली होती है, ये पूरा एक आर्म बनाती है। तो जो पार्ट हमारी बॉडी के पास होता है, यहाँ की जो मसल्स होती है इनको हम प्रॉक्सिमल मसल्स कहते हैं, और जो दूर की जो मसल्स होती हैं उनको हम डिस्टल मसल्स कहते हैं। तो मायोपैथी में क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं, जो हाथ के, जो बॉडी के पास की जो मसल्स होती हैं, उसमें वीकनेस ज़्यादा होती है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपना हाथ जो है ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं उठा सकते, आप अपने हाथ से कोई वज़न नहीं उठा सकते। आपसे अगर कोई कहेगा कि आप खाना खाएं तो खाना थोड़ा टाइम खाएंगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, ब्रश करने में आपको प्रॉब्लम होगी, कंघी करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब जिस चीज़ से आपके हाथ पर जोर पड़ता है वो चीज़, वो काम आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये प्रॉक्सिमल मसल्स हैं ये वीक हो चुकी हैं। इसके साथ जो हमारी टांगें होती हैं, वहाँ की भी जो बॉडी से लगी हुई जो थाई एरिया है, वहाँ की मसल्स जो हैं वीक होती हैं। अब इसमें क्या है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगी। मायोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब नीचे बैठ जाते हैं तो फिर वो उठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम इतनी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उठने में। और एक बार जब वो उठ जाते हैं और चलने लगते हैं तो फिर वो आसानी से आगे के को चलने लगते हैं। उसके बाद जीना चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको मायोपैथी या मसल्स की प्रॉब्लम होती है। जीना ऊपर जब चढ़ेंगे तो उससे जोर पड़ता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं मायोपैथी में। और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है न्यूरोपैथी, उसमें जो दूर के जो पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, जो डिस्टल पार्ट होते हैं, जैसे उंगली, उंगली से आप कोई भी काम या हाथ से आप कोई काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आप कोई छोटा सा छोटा काम भी अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे, आपके जो हाथ हैं वो सुन हो जाएंगे, उंगलियां सुन हो जाएंगी, आप जो है किसी चीज़ में ग्रिप नहीं बना पाएंगे। और आप कोई ज़्यादा छोटा सा काम, जैसे सुई के अंदर धागा डालना है, तो उस तरह की अगर आपसे कोई कहेगा तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो न्यूरोपैथी में होती है, वो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमको मायोपैथी है या न्यूरोपैथी है।
आसानी से सिम्टम्स के हिसाब से हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये मैंने आज का वीडियो बनाया, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो पहचान नहीं पाते कि मसल्स की प्रॉब्लम है या नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो इन सिम्टम्स के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि आपको मायोपैथी है या न्यूरोपैथी।